गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 भर्तियों के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ लोगों ने याचिका डाली थी सीटेट का जो भर्तियाँ वो कब आएंगी। तो आयोग की साइड से रिप्लाई आया, क्या आया गौर से सुनना, कि आप सीटेट की जो वेबसाइट है उस पर लगातार बने रहिए और चेक करते रहिए। तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हम समझें कि 2022 में सीटेट की भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी? क्योंकि आयोग की साइड से जो रिप्लाई आया था आईटीआर का, कि आप नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहिए। तो इसके तो दो पहलू निकलते हैं कि भर्तियाँ आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। लेकिन देखिए, एक खबर ऐसी आ रही है जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल ने यह बताया कि जो सीटेट की जो भर्तियाँ आनी हैं तो वो जुलाई के आसपास बताई जा रही है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। लेकिन अगर आयोग की साइड से जो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आप नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहिए, तो इससे तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीटेट की 2022 में जो वैकेंसी हैं उसका आना बहुत मुश्किल है। लेकिन 50% अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भर्तियां आ रही हैं। तो ये तो आयोग की साइड से जो रिप्लाई आया था उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको खबर बता दें कि जितने भी सीटेट के स्टूडेंट ने जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनका सपना जुलाई में पूरा हो सकता है। कन्फर्म नहीं है, हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट, 2022 में सीटेट की भर्तियां तो आनी तय हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कौन से महीने में आ रही हैं ये अभी कन्फर्म नहीं है। तो आज की न्यूज़ यहीं पर समाप्त करते हैं, यही हमें अभी न्यूज़ मिली थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।